हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द सेकंड गेम, द सेकंड प्रीव्यू। मेरे लिए द फर्स्ट गेम, बट हाँ, सेकंड गेम ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। ये होगा बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड PNG। अब ये तो नहीं वादा कर सकता कि हर गेम का प्रीव्यू करूंगा, बट कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट जो भी अच्छे गेम्स हैं या जो भी गेम्स में मैं अच्छे इनपुट दे पाऊँ, उन गेम्स में आपके सामने प्रस्तुत रहूँ। तो इंश्योर कि आप वीडियो एंड तक देखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कॉमेंट जरूर करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू इट। वेस्ट इंडीज वर्सेज PNG का ये गेम खेला जाएगा एट द प्रोविडेंस स्टेडियम इन गयाना। अब विन प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स इस गेम में होगी वेस्ट इंडीज की तरफ। दे विल बी द फेवरेट्स टू स्टार्ट एंड मिनी प्लस SL आप खेल सकते हो इस गेम में, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि आप कोई डिफरेंशियल ले सकते हो फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया। इस प्रीव्यू में हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स ऑल द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स इन डिटेल, क्योंकि मोस्टली एक 9-2, 10-1 या एट बेस्ट 8-3 की टीम बनेगी आपकी। सो द की प्लेयर्स फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया विल डिस्कस, एंड जो ऑफ कोर्स ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम द वेस्ट इंडीज। स्मॉल लीग्स आप खेल सकते हो ऑन MyMatch11। कल के गेम में एक बड़ा गिव अवे होगा इनकी तरफ से, एंड मिनी जीएल्स ऑन Dream11। ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हो ऑन Real11, MyMatch11 एंड Exchange22 पे। नो लॉस लीग भी शुरू हो गया। अब क्या है वो हम समझाएंगे आपको इन सम टाइम। चलते हैं आगे की तरफ। याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड भी अब है ऑन MyMatch11। इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड कैसे खेलते हैं आप, अब जैसे ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे, जितनी ज्यादा अमाउंट की लीग ज्वाइन करेंगे, उतनी आपकी रैंकिंग वहां पे बढ़ती जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बड़े प्राइजेस, MG हेक्टर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एंड देयर आर प्राइजेस ऑल द वे अप टिल मेनी मेनी लाइक। सो रियली गुड चांस फॉर यू, डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। नो लॉस लीग भी लाइव है ऑन Exchange22। Exchange22 पे आप जैसे साइन अप करते हो, हमारे लिंक से विच इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आपको ₹100 रियल कैश मिलेगा, जो आप एक्चुअल प्लेयर्स को खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। Exchange22 क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्लेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो अगर आप प्लेयर को बाय कर रहे हो, समझे आपने विराट कोहली को यहाँ पे बाय किया ₹100 में या ₹50 में, तो आपने 50 में बाय किया एंड विराट ने अगर समझिए 60 रन वहां पे बना दिए, तो आपको मिल जाएगा ₹10 का वहां पे गैप, प्लस ऑफकोर्स बाउंड्री बोनस पॉइंट सब कुछ मिला के अबाउट 15-16 एक्स्ट्रा रुपीज। तो वैसे चलता है ये प्लेटफॉर्म एंड ये इस कुछ इस तरह दिखता है। समझिए यहाँ पे अगर मैंने टॉम ब्रूस को खरीद लिया है ₹30, तो क्या हो जाता है कि जैसे वो 30 क्रॉस कर जाते हैं, समझिए 25-26, क्योंकि बाउंड्री बोनस पॉइंट्स भी है, कैचिंग के भी पॉइंट्स है, सिमिलर पॉइंट सिस्टम, आपको वहां पे और अपना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टू ऑप्शन है, 5% या 10%। 5% का क्या मतलब है कि अगर मैंने 5% वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो सिर्फ 5% कमीशन लगेगा, बट फिर वो मेरे डिपॉजिट वॉलेट में आ जाएगा पैसा वापस। तो अगर आपको खेलते रहना है विदाउट विड्रॉयल, तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले कुछ गेम्स में, अगले वीक में पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप 10% वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस ये होता है जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लेयर डबल से भी ज्यादा पॉइंट देते। समझिए टॉम ब्रूस को मैंने खरीदा 30 में, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 100 पॉइंट दे दे, तो फिर आपका वहां पे 70 का मार्जिन बन जाएगा। तो जहां जब आपको लग रहा है कि प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी आप इंश्योरेंस लेना। मैं ज्यादातर इंश्योरेंस से वहां पे दूर रहता हूँ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑन Exchange22 विद अ नो लॉस लीग, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेयर्स खरीद सकते हो। एंड नो लॉस लीग में क्या होता है कि आपका वो जो लॉस है कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू ₹25,000 विल बी कवर्ड इन द नो लॉस लीग। समझिए अगर आपने हर गेम में 5,000 का वहां पे इन्वेस्टमेंट किया एंड इफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख और मोर, सो रियली गुड ऑफर, इंश्योर आप अवेल करें। अब चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर फॉर वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG। दोनों टीम्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स कोई मैच नहीं है, वेस्ट इंडीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मे बी PNG थोड़ा सा वहां पे इंसर्शन लगा सकती है। तो एक तो फॉर वेस्ट इंडीज मैंने देखा ब्रैंडन किंग की बैटिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका, बट थोड़े से वीक पॉइंट्स है। अगर आप वो पहली इनिंग्स भी जाके देखोगे तो काफी बार बॉल एज हुई, काफी बार बॉल हवे में गई, बट काफी वो वहां पे लकी रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स के साथ हमें हमेशा पता है कि वो हॉट एंड कोल्ड वहां पे थोड़ा ब्लो करते हैं ना। वन बिटवीन जॉनसन चांस और शे होप विल प्ले, लेट्स सी कि कौन खेलता है पोजीशन में। उसके अलावा रॉस्टन चेज, निकोलस पुरान बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में, रसेल एंड शेपर्ड भी अच्छे फिनिशिंग टच में लग रहे हैं। वो PNG जो की फेज रहेगा जहां पे उनको लगेगा कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं द गेम, दैट विल बी इन द मिडिल फेज, क्योंकि असद वाला एंड चार्ल्स अमीनी जो इनके सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वो उसी फेज में आते हैं, तो वहां पे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम रिटर्न्स। उसके अलावा बैटिंग इनकी काफी यहाँ पे वीक, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द ऑपोजिशन। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात की जाए तो मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बदले यहाँ पे वीक पॉइंट पर फोकस करूंगा, वो होगा उनका डेथ बॉलिंग, क्योंकि शेपर्ड एंड रसेल में इनके पास दो ऐसे ऑप्शन है जो कभी कभार
अपने स्लो बॉल्स एंड वेरिएशंस के साथ डेक पे अच्छा कर सकते हैं। एंड ऐसे कुछ दिन भी होते हैं जहां पे वो बहुत सारे रन खाते हैं। पीएनजी की बात की जाए तो अगर उनका एक फेज है जहां पे वो प्रॉब्ली थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे, दैट विल बी विद वनुआ एंड चैट सॉपर इन द डेथ। बट प्रॉब्लम क्या है कि सामने रसल एंड शेपर्ड तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्लेयर्स उनके सामने। सो लेट्स सी कैसा रहता है। एंड मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग या न्यूट्रल पॉइंट्स है पीएनजी के पास, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिप्टो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगी। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंश्योर आप बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि आगे के जो भी टीम्स वीडियोस अपडेट्स जो भी है वो आपको जरूर मिलते जाए। हैवी रेन इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द डे। वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी इन गयाना, स्पेशली फॉर द इनिशियल गेम। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। हमारा काम है इन्फो देना, टीम बनाना, बाकी डिपेंड्स ऑन हाउ द डे एंड द नेचर गोज। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हमने अच्छी बैटिंग पिचेस देखी है, स्पेशली ऑफ लेट। एक टाइम हुआ करता था कि अगर कोई सबसे स्लो एंड लो पिच होती थी इन वेस्ट इंडीज वो होती थी गयाना की, बट अब दैट ट्रेंड हैज चेंज एंड यहाँ पे काफी हाई स्कोर देखते हैं। वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के भी वार्म अप मैच में दोनों टीम ने 200 आसानी से पार कर दिया। एक जो फैक्टर आप ध्यान में रखिए कि स्पिनर्स यहाँ पे गेम में जरूर आते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि वो इस डेक का नेचुरल नेचर रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। बट इतना अच्छा खासा टर्न नहीं है जितना होता था एक पॉइंट पे। बट ऑफकोर्स वेन यू बैट फर्स्ट ईयर वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए बन जाता है। एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फॉर वेस्ट इंडीज। मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि कौन एक्चुअली उतरेगा इनके लिए, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ लगेगा इनका लाइनअप विथ वन बिटवीन शे होप एंड जॉनसन चार्ल्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी शे होप को थोड़ा वहां पे एज मिल जाए क्योंकि आईपीएल खेल के आ रहे हैं, आईपीएल में अच्छे फॉर्म में लगे, बट मे बी वेस्ट इंडीज वहां पे जॉनसन चार्ल्स के साथ जाए। फॉर पीएनजी यही एक्सपेक्टेड लाइनअप, प्रॉब्ली यहाँ पे हीरी हीरी खेल पाए, बट लेट्स सी कि कौन आते हैं यहाँ पे इन द फाइनल सेट फॉर देम। तो चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज एंड यहाँ पे ओपनिंग में होंगे आपके लिए ब्रैड। तो पिच इन्हें सूट करेगी, फॉर्म इनका अच्छा है। मैंने यहाँ पे T20 इंटरनेशनल का ही डेटा डाला है ऑफ एड गयाना। ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने नहीं खेले तो वर्सेस पीएनजी या वर्सेस वेस्ट इंडीज का कोई भी डेटा नहीं होगा। सीपीएल का डेटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने ये बात अज्यूम करने की कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनका लेवल एंड स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा हाई है, हेंस मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल का ही डेटा डाला है। जो प्लेयर्स यहाँ पे पहले T20 इंटरनेशनल नहीं खेले हैं उनका मैंने सीपीएल का डेटा यहाँ पे डाला है। तो ऑफ कोर्स इनके प्रीवियस नंबर्स अच्छे नहीं, बट ये काफी पुराने नंबर्स भी है, उस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे पिच काफी अलग है एंड इनका फॉर्म भी काफी अच्छा है। मेरे लिए मुझे लगता है ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी हो सकते हैं इस गेम में। श्री होप ओपनिंग मिडल ऑर्डर दोनों में खेलते हैं। इनका सीपीएल का डेटा यहाँ पे T20 नहीं खेला, इन्होंने सीपीएल में 50 की एवरेज से चलते हैं यहाँ पे एंड खेलेंगे तो प्रॉब्ली कीपिंग वैल्यू भी आपको देकर जाएंगे। लेट्स सी कि कौन उतरते हैं विद द ग्लव्स फॉर देम। रॉस्टन चेज बहुत ही अच्छे लगे हैं ऑफ लेट, स्पेशली विद द बॉल काफी शार्प लाइंस डालते हैं। यहाँ पे 3 विकेट पहले ले चुके हैं T20 23 रन ही मारे हैं, बट फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टर्न्स ऑन द पिच, स्पेशली क्योंकि ऑपोजिशन ऐसी है जो स्पिन के सामने कभी कभार गिर सकती है, तो वहां पे रॉस्टन चेज विद द बैट एंड विद द बॉल आपको अच्छी खासी वैल्यू देके जा सकते हैं। निकोलस पुरान एक प्रॉब्लम ये हो सकता है इनके लिए कि मे बी इनको बैटिंग ही ना मिले, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरीके का स्कोर बनता है। ऑफकोर्स अगर पहले बैटिंग करते हैं तो चांस काफी बेहतर हो जाता है टू गेट अ चांस, बट इफ दे आर चेजिंग ओनली 100-120 टाइप्स तो फिर इट विल बी डिबेटेबल कि मिडिल ऑर्डर आपके लिए कितना वैल्यू में आ पाएगा। तो अगर मैं पुरान की बैटिंग की बात कर रहा था तो रोमन पॉवेल के तो चांस और भी यहाँ पे कम हो जाते हैं इन द मिडिल ऑर्डर। एड गया ना 4 मैच में 98 रन, अब आप समझ रहे होंगे कि एवरेज 49 का कैसे है वो, क्योंकि एक दो बार वो यहाँ पे नॉट आउट रह चुके हैं। ब्रूटल पावर है इनके पास, बट अगेन स्पिन इन्होंने पहले भी स्ट्रगल किया है। सो लेट्स सी कि कैसे उस बात को यहाँ पे टैकल करते हैं। यहाँ पे इवन दो बैटिंग पिच थोड़ी बेहतर है फ्रॉम बिफोर, बट आई थिंक कि थोड़ा सा चैलेंज स्पेशली चार्ल्स अमीनी इनको दे सकते हैं, वाइल इस तरफ होंगे असदुल्ला वाला जो चैलेंज दे सकते हैं टू शिमरन हेटमाया। ऑफ स्पिनर है वो, 3 मैच में सिर्फ 32 रन है इनके पास, बट वापस ये डेटा थोड़ा सा पुराना, सो डोंट रियली ओवर रिलाई ऑन दैट। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको वैल्यू दे सकते हैं, बट एल्स मुझे लग रहा है लिट डिफिकल्ट फॉर यू टू पिक। ऑन्ड्रे रसेल एड गयाना, अब इन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला बट 9 मैच में 116 रन एंड 1 विकेट। अब याद रखिए कि ये जनरली 6 बॉलर रहते हैं इस टीम के लिए, तो अगर पहले 5 बॉलर अच्छा करते हैं तो अच्छा खासा चांस है कि विद द बॉल मौका ना मिले एंड विद द बैट भी काफी नीचे आते हैं। अगर पहले बैटिंग होती है तो हो सकता है कि प्रमोट हो जाए, बट इन सेकेंड बैटिंग में भी आपके लिए एक हाई सेलेक्ट ड्रॉप जस्ट बॉम्ब बन सकते हैं इस गेम में।
रोमारियो शेपर्ड लोअर ऑर्डर बैटर है एंड ऑफी नहीं है पेसर है, दैट्स एडिटिंग इशू फ्रॉम माय एंड। अब हम एक ही सिंगल टीम है, अकेले ही एडिट वीडियो सब बनाते हैं, तो हो जाता है कभी कभार 3 मैच में 3 विकेट्स इन T20 जब गया ना, आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकते हैं वर्सेस PNG, क्योंकि विद द बॉल भी वैल्यू मिलेगी एंड पहले बैटिंग करते हैं तो विद द बैट भी मे भी कुछ आपको दे के जाए। एट गयाना अलजारी जोसेफ 2 मैच में 4 विकेट्स, इस टीम के वाइस कैप्टन है एंड एक्यूरेसी वाले इनके लिए प्रॉब्लम है, अपनी पेस के साथ रैटल कर सकते हैं स्पेशली टू अ टीम लाइक PNG जो इतना हाई पेस खेलने का इनको आदत है नहीं। अकील हुसैन लोअर ऑर्डर बैट एंड लेफ्ट आर्म स्पिन, 3 मैच में 2 विकेट्स एंड शार्प लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ज्यादातर अपनी एक्यूरेसी पे रिलाई करते हैं, इतना स्पिन नहीं करते बॉल को एंड थोड़ा सा फास्ट डालते हैं कभी कभी, जो ऑफ लेट इनके लिए कंसर्न रहा है, बट वर्सेज PNG ही विल लुक टू डू वेल। फिर हैं गुडकेश मोती जो ऑफ लेट बहुत अच्छे फॉर्म में लगे हैं, ऑफ द पिच भी इन्हें कुछ बाइट मिली है, ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं खेला इंटरनेशनल पहले, 14 मैच में सिर्फ 9 विकेट्स इन द CPL, क्योंकि ऑफ लेट यहाँ पे बैटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, बट वर्सेस PNG मैं कहूंगा कि अकील एंड गुडकेश मोती को आप ग्रैंड लीग में डेफिनेटली CVC टाइप ट्राई करिए, मे बी मेरे भी वाइस कैप्टन ये रहे इन इन माई बेस टीम। रॉबर्ट मैकॉय बॉलिंग फर्स्ट बहुत ही ज्यादा आपको वैल्यू देके जा सकते हैं इन द डेप्थ। एक जो प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है PNG एंड तक बैटिंग करेगी या नहीं, क्योंकि ये कभी कभार थोड़े से लेट आते हैं इन द बॉलिंग ऑर्डर, सो लेट्स सी हाउ मच चांस ही गेट्स इन दिस गेम। अब चलते हैं पापुआ न्यूगिनिया की तरफ, टोनी उरा यहाँ पे इनके सबसे एक्सपीरियंस बैटर है, मैं जो इनके की प्लेयर्स हैं उनको ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप ग्रैंड लीग में भी सारे 11 प्लेयर्स को ट्राई नहीं कर पाओगे, सो विल ट्राई एंड डिस्कस हुआ था की ऑप्शंस। टोनी उरा इनके लिए एक लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं एंड काफी खेल चुके हैं, ओपनिंग में थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं जिसकी वजह से इनका एवरेज उतना खास नहीं है, बट आई थिंक आपको वैल्यू दे सकते हैं स्पेशली ऑन लेगेसी आकर जाना जाते हैं अपने FC परफॉर्मेंसेस के लिए, थोड़ा अपना समय लेके खेलते हैं, एंकर करते हैं इनिंग्स को, आप मुझे लगता है कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो वहां पे मे बी आपको थोड़ी सी वैल्यू दे पाए, क्योंकि थोड़ा आराम से खेलेंगे तो प्रॉब्ली वहां पे अगर आपको 20-30 रन वो दे गए तो ग्रैंड लीग में मे बी एक वो आपके लिए पंट चॉइस बन सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे असद वाला, ये प्रॉब्ली होंगे मेरे बेस टीम में भी, फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, पिच यहाँ पे मे बी इनको सूट कर जाए क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं ये, एंड वाइल इनका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी वैल्यू, ये एंड चार्ल्स जमीनी आपके लिए टॉप पिक्स रहेंगे एंड बहुत बार ये पहले PNG को रेस्क्यू कर चुके हैं, एंड जब आप PNG का नाम सुनते हैं द क्रिकेटिंग सर्कल पहला नाम आता है असद वाला का ही, सिर्फ स्ट्राइक रेट इनके लिए कंसर्न है, अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो वहां पे इन्हें ड्रॉप लेने का ड्रॉप करने का आप चांस ले सकते हो। चार्ल्स जमीनी फिर से एक बहुत ही अच्छे प्लेयर एंड लेग स्पिन डालते हैं एंड काफी अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं, प्लस स्टेबल मिडिल ऑर्डर बैटर तो मे बी आपको कुछ रन भी देकर जाए, एंड ये भी ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं ज्यादातर व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट स्पेशली विद ऑल दीस प्लेयर्स, क्योंकि व्हेन दे बैट फर्स्ट दे विल बी एबल टू गिव यू दोस 15-20 रन जो आपको एट द एंड ड्रीम टीम में ले आने के लिए मे बी काफी हो जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज से 5-6 प्लेयर ही उनके लिए गेम हैंडल कर लेंगे। चैट सॉपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है, मैं इनको काफी समय से फॉलो करता आ रहा हूँ एंड थोड़ा सा बॉल निप कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे वो हेल्प ना मिले एंड डाउन दी ऑर्डर भी थोड़ी सी आपको बैटिंग वैल्यू दे सकते हैं, तो अगर ये फर्स्ट बॉलिंग करते हैं इन पे नजर बनाए रखिएगा एज डेथ में मे बी कुछ विकेट्स ले जाए, एंड क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरी PNG की टीम बैटिंग करेगी तो मे बी विद द बैट भी आपको कुछ वैल्यू दे पाए। तो ये रहे मेरे की प्लेयर्स आज के गेम के लिए, मैं सारे पापुआ न्यूगिनिया के प्लेयर्स को नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि दैट विल बी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, मैं खाली क्योंकि यहाँ पे कोई हेड टू हेड डेटा नहीं है, एड गयाना डेटा नहीं है, सो आई वॉन्टेड टू डिस्कस द की प्लेयर्स। अब चलते हैं हमारी आज की फैंटेसी, सो लेट गेट टू द फैंटेसी टीम फॉर दिस गेम, एंड मेरे कीपिंग चॉइस में होंगे निकलस पुरान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, वन बिटवीन जॉनसन चार्ल्स एंड छे होप व्होएवर प्लेज, अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि जॉनसन चार्ल्स खेलेंगे। इन द बैटिंग स्लॉट मेरे लिए ब्रैंडन किंग होंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, पहले बैटिंग करते हैं तो वन बिटवीन शिमरन एंड रोमन पॉवल ऑल्सो वर्थ पिकिंग। इन दी ऑलराउंडर सेक्शन ऑंड्रे रसल स्पेशली इफ इज बोलिंग फर्स्ट, असद वाला होंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, रॉस्टन चेज बहुत ही अच्छी पिक, रोमारियो शेपर्ड भी मैं इनसे काफी अच्छी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिस गेम, एंड चार्ल्स अमीनी से भी आप वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा बोलर्स के साथ जाना है तो यू कैन ड्रॉप चार्ल्स अमीनी, बट आई थिंक कि जिस टाइप की वैल्यू आपको देंगे विद बैट एंड बॉल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी बॉलर टू डिफीट दैट। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, अलजारी जोसेफ अकील हुसैन एंड गुडकेश मोती होंगे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस, अब अगर आपको यहाँ पे ओबेड मेकॉय के साथ जाना है तो या तो आप एक कीपर ड्रॉप कर सकते हैं या तो आपको यहाँ पे
अगर आपको लग रहा है कि ऑन्ड्रे रसेल को उतना मौका नहीं मिलेगा विद द बॉल, तो आप उनको ड्रॉप करके यहाँ पे ओबेड मेकोए के साथ जा सकते हो। अभी के लिए मुझे वो काफी रिस्की मूव लग रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग विद दैट। आई एम गोइंग विद द 9-2 टीम। अगर मुझे लग रहा है कि एकदम ही डोमिनेंस होगा, तो फिर मैं चार्ल्स अमीनी या असद वाला में से एक को ड्रॉप करके ओबेड मेकोए को वहां पे साइड में ले लूंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसिस की बात की जाए, तो मैं काफी टेम्पटेड हूँ टू गो विद रोस्टन चेज, एज मैं इनसे विद द बैट एंड विद द बॉल वैल्यू काफी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दिस गेम। एंड वाइस कैप्टनसी चॉइस की बात की जाए, तो जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, आई थिंक गुडकेश मोती विल बी अ रियली गुड वन। एंड अभी के लिए ये है मेरी टीम। अब यहाँ पे आप क्या रोटेशन कर सकते हो वो हम जल्दी कर लेते हैं डिस्कस। तो पहले यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स एकदम हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, तो बिल्कुल इनको रोटेट किया जा सकता है। इन द बैटिंग साइड ऑफ थिंग्स, अगर पहले बैटिंग होती है तो रॉबिन पॉवेल एंड सिमरन हेटमायर विल बी गुड चॉइसेस। इन द ऑलराउंडर सेक्शन आई थिंक हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। वाइल इन द बॉलिंग सेक्शन, एली नाउ एक काफी अच्छे प्लेयर है, अननोन क्वांटिटी है, बट मैंने जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज देखी है अच्छे फॉर्म में रहे, तो प्रॉब्ली आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। कबुआ मोरिया इफ इज बॉलिंग फर्स्ट, ये अच्छे खासे पेसर हैं, पहले भी विकेट्स ले चुके हैं T20 वर्ल्ड कप, तो इन पे एक नजर बनाए रखिए। एंड ट्रैट चॉपर की हम बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी के लिए ये हमारी बेस टीम। एंड ग्रैंड लीग ऑप्शंस उसके अलावा बात की जाए, तो लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक बन सकते हैं रोमारियो शेफर्ड, हाई सेलेक्ट ड्रॉपर्स बॉम बहुत लोग लेके गए लेगेसी आका को, बट स्पेशली इफ इज बैटिंग सेकेंड जल्दी अपना विकेट देके जा सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड अकील, बैटिंग सेकेंड बॉलिंग फर्स्ट राधा, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड इज अकील, बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट इज ओबेड मेको, एंड दोनों सिचुएशंस में मोती वाला चेज एंड किंग होंगे अच्छे सीवीसी चॉइसेस। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन एंड टीम। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड रिमेम्बर टू ज्वाइन अस @FantasyCricPro ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। जो भी फाइनल टीम्स है, अपडेट्स है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी। सी ऑल वेरी सून फॉर अनदर प्रीव्यू। अपना सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिए, अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेगा।